चिन्हों को क्यों देखना चाहिए और इन चिन्हों से क्या फायदा होना चाहिए। इस समय मुझे एक बात याद आया, एक औरत, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना आपको बता रहा हूं कि एक औरत गर्भिणी थी, और गर्भिणी थी तो गर्भकाल में किसी पिक्चर थिएटर में पिक्चर देखने गई। पिक्चर में गई तो उस पिक्चर में हीरोइन लास्ट के क्लाइमैक्स सीन में पूरी तरह बदला लेने के संपूर्ण ताकत के साथ विलन का हाथ एक बहुत बड़ा, ये जो नारियल काटते हैं इस प्रकार की चाकू लेकर के उसका पूरा ऐसे काट देती है। उस चीज को देखने के बाद ये गर्भिणी के दिमाग में वो दृश्य बैठ गया कि भाई हाथ काट रही है वो औरत, ये भी एक औरत थी तो भावना में आ गई, और भावना में आके उसी सीन को दिमाग में ले ली। इसके दिमाग में वो शौक बैठ गया और गर्भकाल पूरा हुआ, इसके दिमाग में वो चिन्ह बैठा था कि भाई एक औरत एक विलन का हाथ काट रही है और हाथ अलग हो रहा है। और जब बच्चा हुआ, ये सत्य घटना आपको बताऊं कि जब बच्चा हुआ तो जिस वो बच्चे के हाथ में उतना ही कम था अंग जितना वही हाथ, सेम हाथ जिस हाथ को विलन का जो हीरोइन ने काटा वही अंग, लेफ्ट या राइट जो भी था, और उतना ही कटा हुआ निकला वो बच्चे का अंग शरीर से जितना वो विलन ने ही विलन का हीरोइन ने काटा था। वो बच्चा जब जन्म लिया तो उतना अंग उसके शरीर में कम था। ये औरत ने जब मन में इसी विचार को दोहराया 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 तो विचार इतने अच्छे दिमाग में बैठा कि इसके अंदर से जो सृष्टि निकली वो सृष्टि उसी दृश्य के समान थी जिस दृश्य को इसने मन में पाला। इसलिए आप मन में क्या पाल रहे हो ये बहुत सावधानी से रहिएगा। समृद्धि और सुख को पालोगे तो समृद्धि और सुख सामने प्रकट होके रहेगा। दुख और संकट को हरदम दिमाग में दौड़ाते रहोगे तो प्रकट होने वाला जीवन का घटना दुख और संकट से भरा हुआ ही होगा। इसलिए क्या सोच रहे हो वही मिलेगा। हमारे ज्ञानी पुरुष क्यों यूं कहते थे, क्योंकि वो दिमाग में जाने के बाद वही काम करता। जिन लोगों को शुभ सोचने का आदत नहीं है, जिन लोगों को श्रेष्ठ सोचने का, कई लोग ऐसे हैं, देखिए आप कितना भी चील ऊंचा उड़े, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी चील है। इस आकाश में सबसे अगर कोई ऊंचा उड़ता है तो वो चील उड़ता, लेकिन उसकी दृष्टि कभी नीचे जमीन पर सड़े हुए चूहे पर, कहीं मरा हुआ चूहा सड़ा हुआ पड़ा है क्या, उसकी दृष्टि उसी पर रहती है। वो भले कितना भी ऊंचा उड़े उसकी दृष्टि मरे सड़े हुए चूहे की तलाश में लगी रहती है। तो इंसान दिखने में कितना भी ऊंचा दिखे, उसका मन अगर कोई गंदी चीजों में, नकारात्मक चीजों में लगा है तो ये ऊंचा उड़ने वाला मरे सड़े हुए चूहे के तलाश में पड़ा हुआ वो चील की तरह ही है। जब वो आप में सुधार होगा तभी आपका कल्याण होगा, वरना कल्याण का कहीं कामना मत करना, वो कामना कभी सिद्ध होने वाली नहीं है। इसके लिए शास्त्र कहता है कि दृष्टि बदलिए तो सृष्टि बदलेगी। सृष्टि कैसे बदले महाराज, जो बन गई है सृष्टि वो तो बन गई है, लेकिन नजरिया बदल जाता है तो संसार बदल ही जाएगा। पीला चश्मा पहन के कोई किसी चीज को देखेगा तो चीज भले हरी हो काली हो लाल हो सब पीली दिखेगी। इसीलिए शास्त्र कहता है कि नजरिया बदलेगा तो दुनिया बदल जाएगी। अगर दुनिया को तू खराब देखेगा तो दुनिया खराब ही दिखेगी। इस बात को कहते समय मुझे याद आता है कि हमारी दृष्टि बहुत जरूरी है जीवन में, कि जिसको कैसे देखते। थॉट योगा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।